आज मैं आपको छोटी सी जगह में कैसे आप अपना वेजिटेबल फार्म लगा सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक भी रहेगा, केमिकल फ्री, जो कि आपके हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने कैसे छोटे छोटे गमलों में ज़रूरी की चीज़ें लगाई हुई हैं, जैसे मैंने प्लास्टिक बैग्स को यूज़ किया है, और इसके साथ ही साथ मैंने जो है छोटे छोटे प्लास्टिक बैग यूज़ करके इसमें जो मिट्टी डाली है, और उसके लिए मैंने खाद के रूप में सड़े हुए पत्ते और चायपत्ती बेची चीज यूज़ उसकी चायपत्ती को, और इसके अलावा गोबर को, जो कि घर में मिलने वाली चीज़ें हैं और जो कि ऑर्गेनिक भी है, जो कि हमारे हेल्थ के अच्छी है और इसमें कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। तो आप भी इस तरह से यूज़ करके जो है बना सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह पर मैंने जो है प्लास्टिक बॉटल्स का भी यूज़ किया है। तो हम लोग प्लास्टिक बॉटल फेंक देते हैं, तो उसको फेंकते वक्त उसको इस तरह से पौधे लगाने में और उसको फल वगैरह लगाने में या आप फूल लगाने में उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे कितने अच्छे से ये हुए हैं, और इसका हम यूज़ अगर घर में करेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और इसको हमें कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसको मैंने बहुत छोटी सी जगह में लगाया है, और देखिए मैंने इसी साइड तरीके से इसको रखा है ताकि हमें जो है कम स्पेस में हम सब चीज़ लगा सकते हैं। और जिसमें मैंने प्लास्टिक के बॉटल्स का भी यूज़ किया है, प्लास्टिक के बॉटल्स को मैंने हैंग करके उसके ऊपर उसे जो है लगाए हैं। एक तो देखने में इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे इसके लिए ज़्यादा ना तो स्पेस की ज़रूरत है और ना ही इसके लिए जो ज़्यादा चीज़ों की। और इससे क्या कहते हैं, हम इस तरह से रीयूज़ भी कर रहे हैं कुछ चीज़ों का। प्लास्टिक के बॉटल्स को भी हम रीयूज कर लेते हैं, इसे फेंकना नहीं चाहिए, नजर आना चाहिए। ये देखिए गाइस, ये पुदीना है और ये स्ट्रॉबेरी का है, एक जंगली स्ट्रॉबेरी है। जंगली स्ट्रॉबेरी का मतलब पेड़ का पत्ता है। देखिए कितना सुंदर सा स्ट्रॉबेरी हुआ है। और ये बहुत टेस्टी भी है, इसका टेस्ट भी बहुत मीठा है और बहुत ही अच्छा है। ये बीन्स है, ये टमाटर का है, फ्राई करके या इसका रस बना खा सकते हैं। ये बैगन है। देखिए गाइस कितने कम स्पेस में मैंने कितनी सारी वेराइटीज लगाई है। आप भी चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। आप भी इस तरह से छोटी सी जगह में एक अच्छा सा फार्म खोल सकते हैं, जो कि बहुत ही ऑर्गेनिक भी होगा और आपकी और आपकी फैमिली के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। चादर से नेट से कवर कर दिया है, क्योंकि ताकि इससे इसको कोई इफेक्ट ना हो, अगर कोई जानवर या कोई बंदर इसको खा ना सके, तो इसलिए मैंने इसको चादर से कवर कर दिया है। जैसे टमाटर कितने सुंदर हुए हैं, तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और इसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। और एक ही पेड़ लगाने से बहुत सारे टमाटर होते हैं, जिससे हम इसको आराम से महीने भर खा सकते हैं। और ये हमें मार्केट से बहुत कम रेट में मिल जाते हैं इसके पौधे, इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और इसके लिए हमें कोई अलग से खाद की ज़रूरत भी नहीं है। बस अच्छे से जगह पे लगा देना है, जिससे इसको जो ज़रूरत की चीज़ें मिल सके, धूप पानी सब पड़ सके, बस हो गया।
इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। बीज को लगा देने से ये कहीं भी अच्छे से हो जाती है, इसको हमें अलग से खाद देना नहीं पड़ता है। पाइप का भी इसका रीयूज़ किया है और इसके छोटे छोटे पौधे जो है इसमें लगा दिए हैं। तो गाइस देखा आपने किस तरह से आप जो है सामानों को रीयूज़ कर सकते हैं और छोटी सी जगह में भी अपना ऑर्गेनिक फार्म खोल सकते हैं, और इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और ना इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए। बस जो भी चीज़ आपके पास है आप उसी का रीयूज़ करिए। आपके पास बहुत सारे प्लास्टिक के बॉटल्स होंगे तो उनको फेंकिए मत, उनको इन छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ करके आप खुद का एक फार्म अपना खोल सकते हैं और इस तरह से ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड जो कि आपके घर में होगी बना हो सकती है। और ये नींबू का है, होना स्टार्ट हो गया है। इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है तो स्पेस को मैंने अलग से बाहर लगाया है ताकि इसको उतना स्पेस मिल सके जितना इसको चाहिए। Watching.